नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भवनाथपुर पंचायत में पदाधिकारी व पंचायत मुखिया मधुलता कुमारी की मिली भगत से बाजार भाव से लगभग 4 गुना अधिक राशि की स्ट्रीट लाइट लगाने सहित कई योजनाओं में अनियमितता बरतते हुए पंचायत निधि के लाखों रुपए बंदरबांट किए जाने का मामला सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकाश में आया है। कैसे हुआ खुलासा? युवा नेता दीपक कुमार वर्मा द्वारा RTI के तहत पंचायत में वित्तीय सत्र 2017-18 के दौरान पंचायत में हुए कार्यों का ब्यौरा मांगे जाने पर पता चला कि पंचायत क्षेत्र में एक स्ट्रीट लाइट 95,000 रुपये की लगी है। उन्होंने बताया कि भवनाथपुर स्थित रानू इलेक्ट्रॉनिक सिंह इलेक्ट्रॉनिक मेदिनीनगर स्थित पलामू इलेक्ट्रॉनिक में जब उसी कंपनी की स्ट्रीट लाइट के बारे में जानकारी ली गई तो विभिन्न दुकानदारों द्वारा 1700 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक मुखिया द्वारा लगवाए गए स्ट्रीट लाइट की कीमत इन सबों से तकरीबन 4 गुना है। उक्त दोनों तथ्यों पर गौर फरमाते हुए एक स्ट्रीट लाइट पर तकरीबन 7,000 रुपये अधिक सरकारी राशि का भुगतान किया गया। पंचायत क्षेत्र में कुल 100 लाइट लगाकर सिर्फ एक योजना में 7 लाख रुपये की राशि बंदरबांट कर ली गई। इतना ही नहीं, RTI के खुलासे में बुनियादी विद्यालय में 10 दरी का 54,000 रुपये तथा STAC छात्रावास के शौचालय मरम्मति में 1.34 लाख रुपये की निकासी, थाना मोड़ से थाना प्रांगण तक 1.88 लाख का सोलर लाइट लगाने सहित कई योजना में गड़बड़ झाला का खुलासा हुआ है। अनियमितता प्रकाश में आने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। मनरेगा चापाकल की अधिष्ठापन एवं स्ट्रीट लाइट सहित कई योजनाओं में मुखिया द्वारा अनियमितता बरतते जाने की शिकायत वार्ड सदस्य द्वारा DDC के करने के बाद जांच किया गठित कर जांच कराया गया, जिसमें मुखिया द्वारा किया गया घोटाला का खुलासा हुआ। चापाकल को बोरिंग 180 फीट के बजाय 56 फीट बोरिंग करने के साथ स्ट्रीट लाइट में कोटेशन नियमानुकूल ना प्राप्त कर सीधे संबंधित फर्म से प्राप्त कर कार्यादेश निर्गत किया गया। साथ ही मनरेगा योजना में मदन यादव के घर से इमली पेड़ तक पथ निर्माण का कोई अभिलेख जांच के क्रम में जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त मामले को लेकर जिला पंचायत पदाधिकारी ने BDO भवनाथपुर दिनांक 15/7/2018 प्रतांक 267 को पत्थर लिखकर मुखिया द्वारा बरती गई अनियमितता के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वित्तीय पावर को जब्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित कर आदेश दिया था, किंतु मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वार्ड सदस्य सत्येंद्र राउत, JM नेता दीपक वर्मा ने बताया कि प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार पूरे पंचायत में 1,29,000 की सोलर स्ट्रीट लाइट लगी, जबकि थाना मोड़ से थाना परिसर तक महज 200 मीटर की दूरी पर 1,88,000 रुपये की स्ट्रीट लाइट लगी है। SC/ST छात्रावास में शौचालय मरम्मति के नाम पर 1,38,000 रुपये घोट लिए गए। इन लोगों ने बताया कि इस तरह के घोटालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री गढ़वा DC को पत्र लिखकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।